हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नेहा। आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लाई हूँ जो आपके डेली रूटीन में बहुत काम आते हैं, जो हम अपने बच्चों से दिन में बहुत बार बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इन सिंपल वर्ड को यूज़ करके स्मार्ट बने। तो लेट्स सी सम वर्ड हेयर। राइट, राइट मीन्स होता है लिखो। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, राइट डाउन इन योर नोटबुक। इसका हिंदी में मीनिंग करेंगे तो हिंदी अनुवाद करते हैं तो हम देखते हैं इसका मतलब हुआ, हाँ, अपनी कॉपी में लिखो। अपन बच्चों को बोलते हैं राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो बच्चों को हिंदी में भी बता सकते हैं कि अपनी कॉपी में लिखो। नेक्स्ट, रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ो। इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा, रीड लाउडली। इसका मतलब है जोर से पढ़ो। बच्चे धीरे पढ़ते हैं तो हम बोलेंगे जोर से पढ़ो। सेकंड से थर्ड नंबर, लिसन, सुनो। इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। कई बार बच्चे अपनी मम्मी की या पापा की बात नहीं सुनते हैं तो उनकी मम्मी गुस्से में बोलती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नंबर फोर, लुक। लुक मीन्स होता है देखो। लुक हेयर, इसका हिंदी में बोलेंगे इधर देखो। लुक हेयर भी बोल सकते हैं, लुक देयर भी देख बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फाइव नंबर, मूव, खिसकना। बच्चे क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो वो खिसकते नहीं हैं, अपने गेम में या अपने वर्क में बिजी होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं मूव अहेड, आगे बढ़ो या खिसको। नंबर सिक्स, टेक आउट, बाहर निकालना। बच्चों को इंग्लिश में बोलना है टेक आउट योर पेंसिल, टेक आउट अ पेंसिल, टेक आउट अ नोटबुक, टेक आउट योर इरेजर, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिया है टेक आउट अ पेंसिल, पेंसिल निकालो। नंबर सेवन, स्टैंड अप। स्टैंड अप इसका मतलब है खड़े होना। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज स्टैंड अप। बच्चे शैतानी करते हैं तो मैम को गुस्सा आ जाता है। मैम बोलती हैं स्टैंड अप, बच्चे खड़े नहीं होते तो मैम बोलती है प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नंबर एट, स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना। बच्चे बोलते हैं तो मैम देखती हैं कि बच्चे साथ में ओरल नहीं कर रहे हैं। क्लास में बच्चे अलग अलग ओरल करते हैं और मैम चाहती हैं कि साथ में ओरल करें, तो मैम बोल सकती हैं स्पीक टुगेदर, साथ में बोलो। नंबर नाइन, ओपन। ओपन मीन्स खोलना। ओपन योर नोटबुक, ओपन योर बुक, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने जैसे लिया है ओपन योर बुक, नोटबुक भी बोल सकते हैं, और भी कुछ चीज़ है तो उसके लिए भी बोल सकते हैं, जैसे किताब खोलो। नंबर टेन, टॉक, बातें करना। बच्चे बातें करते हैं चिल्ला चिल्ला के, शाउटिंग में बातें करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं टॉक सॉफ्टली, धीरे बात करो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वर्ड्स जिन्हें मैंने आज अपनी वीडियो में आपको बताया है। अगर ऐसे ही आप वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं और नए वर्ड सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।